There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. तो यार अभी तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है, बट अभी तक आपको नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ। आज की वीडियो है इसके बारे में, मैंने ड्रोन लिया है एंड मैंने कितने का लिया है, क्यों लिया है और फ़ोन से पहले मैंने ड्रोन क्यों लिया है ये भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको जाना पड़ेगा घर की तरफ, बिकॉज आज की वीडियो घर से शुरू है एंड फिर आ जाना वापसी, फिर बात करेंगे। और हाँ, कुछ बातें भी करनी है बट वो बाद में, पहले आप जाओ घर की तरफ और देख के आओ। तो यार अभी तक तो आपको पता चल गया हो कि हम कहाँ जा रहे हैं और मैं बस अभी घर से निकला हूँ। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो जैसे कि आपको पता है ड्रोन के ऊपर है। तो ड्रोन मैंने लिया था बट ड्रोन को उड़ाने के लिए फ़ोन चाहिए होता है जो मेरे पास नहीं है। तो ये अभी मम्मी का फ़ोन लेके निकला हूँ मैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने ना फ़ोन बहा दिया था सी के अंदर। तो बस यही है, अभी मम्मी का फ़ोन लेके निकले हैं घर से और चलते हैं। हाँ बस यही है, चलते हैं, बाय। I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind, but I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard. तो यार निखिल के जाने के बाद ना आज मैं ये दूसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड मेरे को अभी उसकी इतनी याद आ रही है बिकॉज मतलब इन द सेंस निखिल होता था आराम से अपना गाड़ी में जाते थे, गाड़ी में आते थे। अभी जाना मेरे को पास में ही है बट क्योंकि बस और स्काईट्रेन से जाना है तो मुझे अराउंड 40-45 मिनट लगेंगे पहुँचने में। और यही अगर निखिल के साथ मैं गाड़ी में जाता या गाड़ी में जाता तो शायद 15 मिनट में पहुँच जाता। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि मैं हूँ अभी न्यूवेस्ट स्टेशन पे और न्यूवेस्ट स्टेशन से वाटर फ्रंट, जहाँ पे मुझे जाना है ड्रोन उड़ाने के लिए और ड्रोन की अनबॉक्सिंग टाइप करने के लिए, वो यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की वॉक पे है। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम है, वो मैं बताता हूँ कहीं और कैमरा रख के, बिकॉज यहाँ पे भी पीछे मेट्रो आ रही है और बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी। चलो करते 2 मिनट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने पहली बार ना पिज़्ज़ा कुछ 1 साल पहले खाया था जब मैं यहाँ पे आया था। मतलब पहली बार नहीं, उससे पहले एक बार खाया हुआ था बचपन में, लेकिन मैं पिज़्ज़ा खाता नहीं। मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा, बढ़िया। बट फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे बटर चिकन पिज़्ज़ा ट्राई किया जब मैं फ्रेश यहाँ पे आया था रिसेंटली, क्योंकि बटर चिकन में सुनने में आया ट्राई करते हैं तो मुझे बहुत बेकार लगा, बहुत बेकार। बट जब मुझे 6 महीने हो गए ना यहाँ पे, उसके बाद मैंने कहा ऑप्सी ट्राई किया और मुझे इतना बढ़िया लगा, इतना बढ़िया लगा, मैं वही खा रहा हूँ अभी। क्योंकि मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे हो कनाडा में बहुत टाइम से तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया। तो यार अब सीन कुछ ऐसा है, पिज़्ज़ा खा लिया और अब हम जा रहे हैं ड्रोन उड़ाने, जिसका आज मेन वीडियो है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं ड्रोन की सिनेमेटोग्राफी। See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are know the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. तो यार सीन कुछ ऐसा है कि हम पहुंच गए हैं और आप देख ही सकते हो कितना मतलब सुंदर जगह पे हम आए हैं। और अब आप समझ रहे हो क्यों मैंने ड्रोन में इन्वेस्ट किया। लाइक मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है ऐसी वाटरफ्रंट जैसे एरिया पे और जो इससे बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो उससे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होगी बिकॉज ऑफ द ड्रोन। तो यही रीज़न था मेरा ड्रोन में पैसे इन्वेस्ट करने का। और भी कुछ बातें करनी है लेकिन पहले ड्रोन को नीचे लाते हैं क्योंकि मैंने शॉट लेते वक्त ड्रोन को पकड़ दिया था। तो ये पूरा शॉट ना ड्रोन ने भी रिकॉर्ड किया है ऊपर से। तो ड्रोन को लाते हैं नीचे और फिर बात करते हैं। यार एक जगह ना इतनी प्यारी है बिकॉज आप देखो तो यहाँ पे ना सिर्फ ये पूरा वुडन सा डेक बन रखा है और ये आगे भी है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लोग आते हैं वॉक करने के लिए और अपना वॉक करने के लिए आएंगे। शाम में अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर आ गए, अपना बैठे यहाँ पे, अपना एंजॉय किया और चले गए। यार मैं क्या सोच रहा हूँ कि ड्रोन के बारे में इतनी बातचीत हो रही है, ड्रोन के शॉट्स चल रहे हैं, तो एक बार आपको ड्रोन भी दिखा दूँ क्योंकि कैमरा पे मैंने अभी तक ड्रोन नहीं दिखाया। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। बहुत सही है, मतलब अब मेरे को पता है कि काफ़ी लोगों ने पहले भी देखा होगा ये वाला ड्रोन और लोगों की वीडियोस में, बट मैंने लिया है तो भाई मैं तो दिखाऊंगा। तो यार ये है ड्रोन और बहुत हल्का है। तो ये बात शायद आपको पता हो कि ये 249 ग्राम्स का है। तो इस ड्रोन को उड़ाने के लिए मुझे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हल्का है। एक चीज़ है जो मेरे को अभी मैंने नोटिस करी अभी, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है तो बहुत ज़्यादा काँपता है ड्रोन बीच बीच में, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा हल्का है तो काँपेगा भी। लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ विंड आ रही है और ये सह नहीं पा रहा तो मेरे फ़ोन पर जैसे आ गई थी वार्निंग कि स्ट्रॉन्ग विंड की वार्निंग आ गई थी, तो मैंने उसको जल्दी से नीचे बुला लिया। बट मेन चीज़ जो है वो ये है कि ड्रोन बहुत बढ़िया है। अभी तक आपने शॉर्ट्स वॉर्ट्स तो देख ही लिए होंगे। तो यार मैं ना बस घर की तरफ भाग रहा हूँ और घर में ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ। 2 मिनट की दूरी पे घर। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। मैं किस चीज़ के लिए लेट हुआ हूँ, किस चीज़ के लिए नहीं हुआ, वो घर पहुँच के दिखाता हूँ, पर अभी बताऊँगा फ़ायदा नहीं है। घर पहुँच के दिखाता हूँ और वहीं पे वीडियो ख़त्म करेंगे और मिलते हैं एक कूल सी ट्रांजिशन के बाद। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि मैं घर पहुँच गया हूँ और मुझे ना एक्चुअली घर पहुँचना था 5 बजे तक। क्यों मैं बताता हूँ। मेरे ना कॉलेज शुरू हो गया और कॉलेज शुरू हो गया, इसी वजह से थोड़ी सी टाइम से मैं वीडियो बना भी नहीं पा रहा था। और एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा एक्चुअली कॉलेज 5 से 9 बजे तक होता है एंड मंडे टू फ्राइडे होता है और मैं उठता ही था 12-1 बजे तक, तो फिर यार वीडियो बन नहीं पाती थी। एंड लेकिन अब मैं थोड़ा सा अपना रूटीन सही करूँगा। आज भी थोड़ा सा मैं जल्दी उठा था, आज भी मैं घर से 11 बजे तक निकल गया था ताकि मैं ना 4-5 बजे तक वीडियो बना लूँ, बट थोड़ा सा लेट हो गया। वो तो कोई नहीं, बस यही है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो और या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं भी अब करता हूँ, बाद में थोड़ा सी क्लास वैसे अटेंड कर लेता हूँ, म्यूट से हटा देता हूँ और चलो ठीक है, बाय बाय। क्योंकि sure man. Yeah, I'm making a vlog. What's your YouTube channel? Naman Vinayak. Naman Vinayak. Okay, go and subscribe everyone, bro. कर दो यार, अब तो भाई बोल रहा है।